क्या आप भी बालों के झड़ने और टूटने की समस्या से परेशान हैं? बालों के टूटने का कारण इनका कमजोर होना है या इस कमजोरी का कारण भारी प्रदूषण और खान पान में जरूरी विटामिन्स की कमी? बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं मगर आपको फिर भी राहत नहीं मिली, तो अब मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जो आपके झड़ते हुए बालों को तो रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन साथ में आपके गंजे सर पर भी बाल उगाने का काम करेगा। अगर आपके भी सर में से कहीं कहीं से बाल उड़ते जा रहे हैं और आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में ये घरेलू नुस्खा आपको आपकी सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी इस नुस्खे को आजमा सकता है। अगर आपका घर में कोई छोटा बच्चा है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है या कोई फिर 60 साल का इंसान भी इसको लगाकर अपने बालों की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस तेल को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। धनिया की पत्ती आपके झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए बहुत असरदारी उपाय है। धनिया आमतौर पर हर जगह हर मौसम में उपलब्ध होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसका सही तरीके से प्रयोग करना। तो कैसे करना है वो जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि धनिया कैसे आपके लिए फायदेमंद है। धनिया में होते हैं मिनरल्स विटामिंस जो बालों को अंदर से पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं, जिससे फायदा आपको क्या मिलता है, आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, आपकी डैंड्रफ की समस्या खत्म होती है, आपके बालों में नई जान और शाइन आता है और आपके बालों को नया वॉल्यूम मिलता है, और जहां जिस एरिया से आपके बाल झड़ गए हैं सर में, वहां पे बाल 101% उगने शुरू हो जाएंगे। धनिया के पत्ती में होती है प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरेटीन, थियामिन, पोटेशियम, जो आपके बालों के लिए वरदान का काम करते हैं। अब जान लेते हैं इस बेहतरीन वाले तेल को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले लेना है आपने धनिया की पत्तियां, उनको आप अच्छे से धो लीजिए और मिक्सी में ग्राइंड करके उनका जूस बना लीजिए, बिल्कुल चटनी की तरह। चटनी आप देख सकते हैं बिल्कुल बन चुकी है। अब इसको छन्नी की मदद से छानकर एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर हमने जितना भी धनिया का मोटा मोटा था वो अलग हो चुका है और बिल्कुल रस इस कटोरी में आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके बालों को मजबूती देता है, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ाता है, आपके बालों को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप नारियल का तेल ऐड करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कैस्ट्रो ऑयल। कैस्ट्रो ऑयल आपके बालों के लिए वरदान है, नए बाल उगाने और हेयर फॉल को स्टॉप करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बालों में नेचुरल शाइन भी लेकर आते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करें और एक कांच के बर्तन में स्टोर कर दें। जब भी आपको लगाना हो तो एक स्प्रे बॉटल में डालें, अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंथ तक लगाएं, और अगर आपको ऐसा अनकन्वीनियंट लगता है तो आप कॉटन की सहायता से भी अपने बालों की जड़ों में इसको लगा सकते हैं। अब बात आती है इसको कितने टाइम के लिए लगाना है और कब कब लगाना है। आपको इस तेल को हफ्ते में 3 बार लगाना है, और जब आप इस तेल को लगाएं तो कम से कम 1 घंटे के लिए अपने बालों में ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू कर लें, ज़्यादा शैम्पू बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर आपके भी ट्रीटमेंट करने के बाद स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन सब कुछ करने के बाद हेयर फॉल हो रहा है तो ज़रूर इस तेल को ट्राई करें और जमकर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मुझे पूरी 101% गारंटी है और यही गारंटी आप भी लेंगे इस तेल को आजमाने के बाद में। तो अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही बेहतरीन लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर जमकर करिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हेल्दी।